हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट चिकन बनाने के तरीके बताने जा रही हूँ। वैसे तो चिकन कई तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से चिकन बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 750 ग्राम चिकन, कुछ तेज पत्ते, पिसी हुई लहसुन, कटे हुए 200 ग्राम प्याज, मस्टर्ड ऑयल, 2 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च, 4 चम्मच पिसी हुई जीरा, कुछ गरम मसाले और स्वादानुसार नमक और 2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम मस्टर्ड ऑयल को कढ़ाई में डालकर गरम कर लेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकती हैं। अब हम इसमें कुछ तेज पत्ते और गरम मसाले डालेंगे। अब हम कढ़ाई में प्याज डालकर कुछ देर धीमी आंच में चलाएंगे। प्याज को तब तक चलाएं जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने इसमें गोटा गरम मसाला डाला है, अगर आप चाहे तो इसमें चिकन मसाले भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालकर इसे कुछ देर तक मिक्स करेंगे। और 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। अब देखिए ये मसाले अच्छे से प्याज में मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। ध्यान रहे चिकन को अच्छी तरह से धो ले। मैंने चिकन को पहले ही धो लिया था। अब हम इसमें थोड़ी पानी डालकर इसे मिला लेंगे। और 5 से 7 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। पाँच से सात मिनट के बाद इसे फिर से एक बार चलाएंगे और इसे फिर 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। अब हमारा चिकन लगभग तैयार है। इसे हम धीमी आंच में करके 2 से 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। अब हमारा चिकन सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और देखिए हमारा ये स्वादिष्ट चिकन कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो गया है। इसे हम रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।
चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 750 ग्राम चिकन, कुछ तेज पत्ते, पिसी हुई लहसुन, कटे हुए 200 ग्राम प्याज, मस्टर्ड ऑयल, 2 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च, 4 चम्मच पिसी हुई जीरा, कुछ गरम मसाले और स्वादानुसार नमक और 2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम मस्टर्ड ऑयल को